समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन का आज 12वां वार्षिक उत्सव है, यानी कि वर्षगांठ का दिन है। फाउंडेशन के द्वारा पिछले 12 वर्षों में गरीब आदिवासी और बैगा जनजातियों के बीच विशेष शिविरों के माध्यम से राहत कार्य किया गया है और यह कार्य निरंतर निर्बाध गति से जारी है। आज वार्षिक उत्सव पर आइए बालाघाट न्यूज़ के माध्यम से हम देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से फाउंडेशन के द्वारा अपने इस सफर के दौरान आदिवासियों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है और फाउंडेशन के कार्यों से कितना कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उस वर्षा से स्वागत हो रहा है कलाकारों का, यही हमारी धरोहर है दोस्तों, यही हमारी संस्कृति है और जिसे सहेज कर रखा है अभी तक। नहीं तो आधुनिकता की दौड़ में कलाएं लुप्त हो रही हैं, भाषाएं लुप्त हो रही हैं। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को संजोना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाज सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे खुद को सुकून तो मिलता ही है, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों को भी इससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। कुछ इसी तरह के उद्देश्य की पूर्ति को लेकर आज से ठीक 12 साल पहले जिले के एक IAS ऑफिसर ने ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया और उसे निर्बाध गति से आगे बढ़ाने का काम वे कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक फाउंडेशन की नींव भी रखी है, जिसे बालाघाट जिले के लोग आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन व संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके चलते उनका बालाघाट में आगमन बहुत ही कम हो पाता है, लेकिन वे जिस राज्य में सेवाएं दे रहे हैं वहां से निरंतर अपनी निगरानी में फाउंडेशन के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का बखूबी काम कर रहे हैं। आज हम लोग ग्राम सोनगुड्डा से बैगा आदिवासी बैगा कर्मा डांस लेके यहां खुशी से आए हैं, क्योंकि लाल बर्रा भूरी से प्रभु तथागत फाउंडेशन द्वारा हमारे क्षेत्र के आदिवासी बैगाओं को लगातार 3-4 साल से कम्बल, बर्तन, आटा, तेल सब कुछ दिया जा रहा है। जब यहाँ की प्रोग्राम में खबर मिली हमारे लोगों को, बैगा लोगों को बिना बुलाए तैयार होके गाड़ी किराया करके यहाँ तक पहुँचे। आज 12 नवंबर 2021 को इस फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव उनके पैतृक गांव बोरी लाल बर्रा में मनाया गया, जहाँ वे स्वयं भी शामिल हुए, साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने फाउंडेशन द्वारा संचालित इंग्लिश स्कूल में ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगवाया और स्कूल के बच्चों को संपूर्ण ड्रेस किट का वितरण किया। इसी तरह कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को, स्कूल के शिक्षकों को और जिले के वनांचल क्षेत्र से पहुंचे बैगा आदिवासियों को कंबल, साड़ी, बर्तन और अन्य जरूरत की सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम में बालाघाट के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी, समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी और उनकी टीम ने लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया। तो वहीं उनके खास मित्रों में शामिल विश्व मोहन मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल, युवराज राहंगडाले, मकरन अंधारे ने भी फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव में पहुंचकर अपना योगदान दिया। उनके अलावा फाउंडेशन के साथ सदैव गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहने वाले सचिव महेंद्र मेश्राम, पत्रकार रफी अंसारी, यमलेश बंजारी, हितेन चौहान, अभिनव सिंह मारे, तातू सिंह धुर्वे, आदिवासी जयपाल, चित्रंजन नेरकर, राहुल टेमरे, रोमेश सोनवाने, विनीत राव का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा वंदना और परित्राण पाठ जैसे धार्मिक आयोजन से हुई। इसके उपरांत स्कूली बच्चों के गीत संगीत और अन्य कार्यक्रम भी हुए, जिसमें गोंदिया से पहुँचे जादूगर जब्बार ने बच्चों का अपनी हाथ की सफाई के माध्यम से मनोरंजन किया। तो वही विश्व मोहन मिश्रा ने बांसुरी वादन से बच्चों के बीच देशभक्ति की अलग जगाई।
एक दो और तीन कागज को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया और साहबान आप मेंबर के देखते भी एक कागज का छोटा फोल्ड किया और फुक मारा बोला भाग जाओ। बच्चे लोग कागज गया के है अभी, जो कागज के दो टुकड़े आपने मेरे हाथ में देखा है उन दोनों टुकड़ों को मैंने आपके देखते भी इस तरीके से गायब। ताली बजाओ, नोटों की बारिश करता हूं। कितने का नोट बन गया? पर कई बच्चों लोग क्या सोचोगे, जादूगर कागज को मसल के 100 का नोट आपने जादू से बना दिया। देखिए विद्यार्थियों, ऐसी नोट में जादू से बनाना जानता तो मैं अपना गोंदिया छोड़ के बोरी नहीं आता। दिन भर घर में कागज फाड़ फाड़ के मैं पेटी ना पेटी भरते रहता। इसी बीच लक्ष्मीबाई एकेडमिक इंग्लिश स्कूल से नवोदय की परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं का IAS मुकेश मेश्राम और उनके भाई रमेश मेश्राम, डॉक्टर दिनेश मेश्राम व अन्य के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय भी शामिल हुए। उन्होंने प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को बर्तन सेट का वितरण किया और नवोदय विद्यालय के लिए चयनित लक्ष्मीबाई एकेडमिक के छात्रों को बधाई प्रेषित की।